क्वेश्चन इज नेक्स्ट द क्रूशल आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इन एडुक्यू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया सो जस्ट मेजर्स दैट केन एड्रेस दिस एडुक्यसी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं सो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट्स डिफरेंट फ्राम ग्रोथ डेवलपमेंट रेफर करता है टू मल्टी डायमेंशनल और होलिस्टिक प्रोसेस को जिसका मकसद होता है इम्प्रूव करना वेल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटीज पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोसेस जो होते हैं जे बेसिकली कहा जाता है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टेप्स को एक्शन को और स्ट्रेटजीज को जो गवर्नमेंट लेती है इंस्टीट्यूशन है, लेते हैं कम्युनिटीज लेते हैं या इंडिविजुअल्स लेते हैं टू अचीव एंड सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स यहां पे हमें ये डिफिनीशंस या इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है जिस डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन पे यहां पे आते ही जहाँ पे कह रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है क्रूशल आस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो है हम जो अटेंशन दे रहे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को वो सफिशेंट नहीं है जहाँ पे इसने हमें नहीं बताया कि अगर इनोडिकेट अटेंशन होगी टू एच तो इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं जस्ट इतना कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है स्ट्रेटजीज है जो स्टेप्स जो है उसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है सफिशेंट अटेंशन नहीं मिल रही तो इसी चीज को हम रिया करेंगे इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट पोटेंशियल इंड इसके लिए चाहे तो हम जहां पे कोर्ट डेटा भी यहां पर जो है लिख सकते हैं जैसा कि इंडिया का आप देखें प्रेजेंटली इंडिया की पॉपुलेशन जो है इंडिया हैज़ 62.5 परसेंट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 नाइन इतने यूथ है प्रेजेंटली हमारी कंट्री के अंदर एंड फर्दर आप देखेंगे कि विच इज एवर इंक्रीजिंग और इनकी इंक्रीज भी जो है देखने को यूथ जो है हमारी कंट्री के अंदर बढ़ते जा रहे हैं 2036 जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस टाइम पे हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी पीक होगा यूथ पॉपुलेशन का 65 हमारी दैट टाइम पे हमारी जो है आ, उस वक्त यूथ होगी तो इस वक्त का जो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा अगर इसको हमें इफेक्टिवली हार्नेस करना है ठीक है तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम एच आर डी पे कॉम्प्रेहेंसिवली फोकस करें ठीक है ये हमारी इंट्रोडक्शन हम इसमें देंगे तो यह हमारी जब इंट्रोडक्शन दी तो अब उसके बाद हम जो है अपनी बॉडी लिखेंगे उसमें पहली जो चीज इसने मेंशन की है हम क्वेश्चंस को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे पहले इसको और फिर देन मेजर्स को हम लिखेंगे तो पहले की हम बात करते हैं एन अटेंशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसी चीज को हम जहाँ पे जस्टिफाई करेंगे एंड उसी के लिए जहां पे जो उसने चीज लिखी है उसी को हम जहां पे मेंशन करते हैं इन एडुकेट एडकेट अटेंशन अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया इतना लिख दिया इसको हम अंडरलाइन कर देंगे बक्स में देंगे, में रख देंगे या कैपिटल लिखेंगे तो कुछ डेटा से हम देखते हैं कि कैसे इन एडुकेट ह्यूमन रिसोर्स पे जो हमारी अटेंशन इन एडुकेट है ना काफी है की बात कर लेते हैं पहले हेल्थ एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ठीक है इसमें रिसेंट ईयर्स के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिली है लेकिन स्टिल इंडिया जो है फेस कर रहा है परसिस्टेंट चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रीशन माल न्यूट्रीशन पे एग्जाम्पल के लिए हम कर सकते हैं को, जो स्टंटेड ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन अंडर फाइव इन इंडिया इज स्टिल सिग्निफिकेंट विद 38.4 पॉइंट परसेंट बीग स्टंटेड एज ऑफ 2019 हजार बीस के डेटा के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे स्टंटर्ड स्टंटर्ड चाइल्ड देखने को मिलते हैं ठीक है स्टिल ये एक नंबर बड़ा है बड़ी परसेंटेज का दूसरा हम जो है जहा पे एक तो हमने हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात की तो हम जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल के बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है स्किल गैप इंडिया की वर्क फोर्स जो है ऑफन लैग करती है नेसेसरी स्किल्स को ठीक है जो जॉब मार्केट डिमांड कर रहे हैं लीडिंग टू सिग्निफिकेंट स्किल गैप दिस गैप हेम्पर्स इंप्लाइबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यहां पे हम डेटा कोट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट हाईलाइट करती है नीड फॉर रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग टू एड्रेस दिस चैलेंज ये स्किल गैप वाला जो इश्यू है देन एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम कौन सी रिपोर्ट कोट करते थे एसर की ठीक है एंसर हैज कंसिस्टेंटली शोवन दैट ए इंडिया स्ट्रगल बेसिक रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स बेसिक रीडिंग मैथमेटिकल स्किल्स हम कई बार कर चुके हैं डिस्कस तो वही रिपीट हो रही है देन जेंडर डिस्पैरिटीज जेंडर डिस्पैरिटीज जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कंटिन्यू टू हेंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड जहाँ पे डेटा के लिए हम जो है इसमें कोट करेंगे एज पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया रैंक करता है 127 पे आउट ऑफ 158 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी जो आपका डेटा है दो की रैंकिंग के हिसाब से देन है आपका लैक ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटीज कैपेसिटीज ठीक है Shortages of qualified teachers, healthcare, and other professionals in rural and एंड अंदर सर्वर्ड एरियाज हिंडर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ ये चीज़ जो है जहाँ तक हमने अपना ऊपर जितना भी क्वेश्चन किया इंट्रोडक्शन की जैसे मैंशन किया अगर हमें यही दस दस मार्क्स का लिखना हो तो इसको हम जो है वन फिफ्टी वर्ड में हमें टोटल लिखना है तो हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि हम जो है अराउंड सिक्सटी वर्ड तक इसको लिखते ठीक है 60 वर्ड तक या उससे कम ठीक है 60, 70 वर्ड तक हम जो ऊपर वाला पूरा लिखते बाकी जो रेस्ट जो इसने चीज जो मेजरली पूछी है हम अपने क्वेश्चन को जो है लगभग 90 वर्ड्स के अराउंड जो है हम इसको डेडिकेट करते सजेस्टेड मेजर्स जिस पे उसने फोकस किया है सजेस्टेड मेजर्स हम हाइडिंग करके लिखेंगे मेजर्स ठीक है तो कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं एक तो रिवैंपिंग एजुकेशन इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कब की ट्वेंटी ट्वेंटी की ठीक है इम्प्लीमेंटेशन एलॉन्ग विद्रिएशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाइक आई टी आई टी एस ठीक है देन यूनिवर्सल्थ केयर के बारे में हम जो है यूनिवर्सल्थ केयर की बात करेंगे यूनिवर्सल्थ क्या मेन्शन करेंगे एक्सपेंड द रीच ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम विच प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू वनरेबल पॉपुलेशन क्रिएट रू बोस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ब्लॉक एंड रूरल पी एच सी लेवल विद पी एम अभी एक्सटेंशन ए बी एच आई एम ठीक है भीम ऐप जो होता है ए बी एच आई एम उसके पीछे तो पेन इंडिया इनिशियटिव लाइक पोषण अभियान पोषण अभियान और जो है सिक्स क्रास सिक्स क्रास सिक्स स्ट्रेटी फार किसके लिए है जे अनिमिया के लिए ठीक है अनिमिया के लिए नेशनल स्किलिंग स्किलिंग प्रोग्राम क्या हमारे सजेशंस रहेंगे इसमें के स्ट्रेंथन करने की जरूरत है स्किल इंडिया मिशन को ठीक है विच एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू मिलियंस ऑफ यूथ तो फर्दर जो है ये इंक्लूड करता है वेरियस like, प्रोग्राम्स लाइक प्रधान मंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोग्राम नेशनल अप्रेंटाइजशिप प्रोमोशन स्कीम स्किल इंडिया मिशन कौशल एंड अप्रेंटाइसशिप प्रोमोशन स्कीम इनका मेंशन करेंगे स्किल skill, स्किलिंग के लिए इनको फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ठीक है देन जेंडर इक्वालिटी इक्वालिटी तो जेंडर इक्वलिटी के लिए हम जो है जहाँ पे किसका मेंशन करेंगे क्या हमारे चल रहे कार्य जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राइट कंटिन्यू एंड एक्सपेंड प्रोग्राम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विच प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एड्रेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अचीविंग जेंडर पैरिटी इन हायर एजुकेशन स्पेशली स्टेम स्ट्रीम्स स्टेम स्ट्रीम्स इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देन फर्दर आप टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं बिकॉज दे आर नेशन बिल्डर्स टीचर्स ट्रेनिंग एंड एनहांस करनी होगी हमें टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को टू इम्रूव दियर पैडागोजिकल टीचिंग इसके लिए आलरेडी जो है निष्ठा करके एक इनिशिएटिव एन आई एस एच टी एच ए निष्ठा ठीक है एक वन सच इनिशिएटिव है क्या मतलब होता है निष्ठा का नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट एक प्रोग्राम है जिससे टीचर्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है देन इन सब के लिए जरूरी क्या चीज होती है जरूरी होते हैं पैसे तो जहाँ पे उसका हम मेंशन करेंगे बजेरी एलोकेशन बजटरी एलोकेशन जहाँ पे द बजट एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द दाएस्ट एवर टोटल एक्सपेंडिचर कंबाइंड स्टेट्स एंड स्टेट्स सेंटर्स एंड स्टेट्स ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जी डी पीटनेट एट नाइन साइंसेंड एंड नाइनटीन तो इसको फर्दर इंक्रीज करने की जरूरत है तो अब इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि एड्रेसिंग द इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज पैरामाउंट फॉर इंडिया सस्टेनेबल प्रोसेस सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कंपेटेटिवनेस दी सजेस्टेड मेजर्स एग्री विद द होलिस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच पुट फोर्थ पुट फॉरवर्ड बाई नोबल लॉटरेट लॉरिट अमरत्या हमारा क्वेश्चन जो है आंसर जो है यहाँ पे एंड होगा